जो मोदी को मोदिया बोले, योगी को योगिया बोले, जो बिहार के नेताओं को छोट भैया बोले, ऐसी भाषा कभी शोभा दे, जो मछुआरा समाज का हक मार ले, मछुआरा का सहनी समाज का हक मारने का काम किया सिर्फ बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर नेता, ये गरीबों का काम था। हम लोगों ने गरीबों का काम करने के लिए आपको जिम्मेवारी दी थी, न कि हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए जिम्मेवारी खानी चाहिए। जिस दिन विधायक जीरो हो गए और बीजेपी की कृपा से बीजेपी के एमएलसी की सीट खाली हुई थी, उस सीट पे आपको एमएलसी बनाया, बीजेपी ने अपने कोटे से बनाया, अपने कार्यकर्ता दिए जिसको विधायक बनाया, मंत्री अपने कोटे से बनाया, और आप हम ही लोगों को गालियां दे रहे थे, मछुआरा समाज के साथ अपमान करके, गरीब का काम नहीं करके खाली हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। बहुमत से थोड़े ही से हम ज्यादा हैं, तो वह दूसरे भाषा में और दूसरे तरह उनका रूप हो गया। उसके पहले वो बोलते थे कि हम अपना विलय कर लेंगे, फिर कहे कि नहीं अब तो हम इतने ही कम हैं तो हम जैसा चाहेंगे वही होगा। सर अहम हो गया था सर, बिना मेहनत की राजनीति करने का सर वहम हो गया था। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की अपार बहुमत से जीत के बाद बिहार में एनडीए के निशाने पर आए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा बुचा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भी प्रत्याशी उतारे जाने से लेकर वीआईपी के विधायकों का भाजपा में शामिल हो जाने से नाराज मुकेश सहनी के तीखे बयानों को लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कड़ी टिप्पणी की है। सोमवार को मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या होगा कि जिसकी कृपा से मुकेश सहनी मंत्री तक बने उसे ही गाली दे रहे हैं। मोदी जी को मोदिया और योगी जी को योगिया कहते हैं, साथ ही बिहार के नेताओं के लिए छोट भैया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है कि जो कभी खुद चुनाव नहीं जीते वो दूसरों की जीत और हार का दावा कर रहे हैं। सबको मालूम है कि मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर नेता हैं और उन्होंने अपने मछुआरा समाज के साथ धोखाधड़ी की है। बोचा उपचुनाव में कमल ही कमल खिलेगा और भाजपा प्रत्याशी निश्चित जीतेगा। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए मन बदलने वालों के साथ जनता नहीं जाएगी। उनका सीधा इशारा राजद प्रत्याशी अमर पासवान और वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी की ओर था। अपने मन से बोछा में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। राजद के जो लोग हैं, जो लोग ईमान बदलने वाले हैं, उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने बेबी कुमारी जी को उम्मीदवार बनाया है, अब वो भारी वोट से जीतेंगी क्योंकि सरकार हमारी तरक्की के रास्ते पर चल रही है। हम मुजफ्फरपुर में तो सबको मालूम है कितनी तरक्की हो रही है जिला में, हम कर रहे हैं उसको। तो हम गांव-गांव जाएंगे, नौजवानों से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि जो विकास के पथ पर चल रही है हमारी सरकार, उसमें उनकी मदद चाहिए। और बोछा के लोगों से अपील है कि डबल इंजन की सरकार को मदद करें। अभी तो पूरा देश में देखिए योगी मोदी मोदी हो रहा है, तो बोछा में भी यही होगा, कमल कमल होगा, चप्पा चप्पा भाजपा होगा। ऐसा नहीं कह रहा सर कि राम से रावण बना दिया गया उनको, ऐसा है जो व्यक्ति खुद चुनाव न जीता हो, जिस व्यक्ति का कोई उम्मीदवार न जीता हो, हमने अपने स्वयंसेवक दिए, बीजेपी के कार्यकर्ता दिए, 3 MLA बने, जो मोदी को मोदिया बोले, योगी को योगिया बोले, जो बिहार के नेताओं को छोट भैया बोले, ऐसी भाषा कभी शोभा देती है? जो मछुआरा समाज का हक मार ले, मछुआरा का सहनी समाज का हक मारने का काम किया सिर्फ बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर नेता, ये गरीबों का काम था। हम लोगों ने गरीबों का काम करने के लिए आपको जिम्मेवारी दी थी, न कि हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए जिम्मेवारी दी थी। तो बहुत सी गड़बड़ी हो रही थी उस विभाग में, चेतावनी दी हमारे अध्यक्ष ने, नहीं ठीक हुआ तो नैतिकता तो उनको खुद ही दिखानी चाहिए। जिस दिन विधायक जीरो हो गए और बीजेपी की कृपा से बीजेपी के MLC की सीट खाली हुई थी, उस सीट पे आपको MLC बनाया, बीजेपी ने अपने कोटे से बनाया, अपने कार्यकर्ता दिए जिसको विधायक बनाया, मंत्री अपने कोटे से बनाया,
और आप हम ही लोगों को गालियां दे रहे थे, मछुआरा समाज के साथ अपमान करके गरीब का काम नहीं करके खाली हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, तो आपको नैतिकता दिखानी चाहिए। अब हम लोगों ने तो कभी जो राम शब्द है वो बड़ा पवित्र शब्द है। सर उद्योग तिरहुत कमिश्नरी के जितने सांसद विधायक मंत्री हैं और पुराने तिरहुत कमिश्नरी के सभी इनवाइटेड थे और हम सबों ने बैठ करके माननीय राज्यपाल जी के साथ भोजन का लुत्फ उठाया। बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने मछुआ समाज को इतना तंग किया हो, इतना तबाह किया हो, भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा मछुआ समाज को लिप्त किया हो, और जिसने जानबूझ के मंत्री पद समाप्त करके एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। सर, नहीं सर, 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 जिसके साथ मुकेश सहनी रहे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया सर। जीवन भर उन्होंने यही किया, जिस दल के साथ रहे उस दल के साथ विश्वासघात किया, और जिस समाज ने उनको बनाया उस समाज के साथ सबसे ज्यादा बहुमत से थोड़े ही से हम ज्यादा हैं, तो वह दूसरे भाषा में और दूसरे तरह उनका रूप हो गया। उसके पहले वो बोलते थे कि हम अपना विलय कर लेंगे, फिर कहे कि नहीं अब तो हम इतने ही कम है तो हम जैसा चाहेंगे वही होगा बिहार में। सर अहम हो गया था सर बिना मेहनत की राजनीति करने का? सर वहम हो गया था।